हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइज, आज आप सभी लोगों के लिए मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन लेके आया हूँ फॉर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2019। गाइज, आप लोग जानते हैं जनरल अवेयरनेस का कितना बड़ा वेटेज है, चाहे आप SSCHL के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CHSL के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, और आप जनरल रेलवे NTPC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो बहुत बड़ा वेटेज है। 40 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस आएगी टायर वन में, और टायर सेकंड में आएगी 50 मार्क्स की। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा वेटेज है। तो आज आप सभी लोगों के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, ठीक है। तो इसमें हम्बल लुक है, चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, मोहित गोयल के नाम सर्च कर सकते हैं, ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, आप ठीक है इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक माय स्टडी क्लासेस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। फिर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इस हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु डिड नॉट द फेस द पार्लियामेंट, भारत का प्रधानमंत्री कौन था जिसने संसद का सामना नहीं किया। ऑप्शन ए चरण सिंह, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी CV रमन, ऑप्शन डी मुरारी देसाई। तो गैस कीजिए इसका आंसर क्या होगा, बताना चाहूँगा। इसका आंसर है ए चरण सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीट द फुल टर्म, यानी कि पूर्ण कार्यकाल का पूरा किए बिना इस्तीफा देने वाले भारत के प्रधानमंत्री पहले कौन थे, ठीक है। ऑप्शन ए मुरारी देसाई, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी चरण सिंह। तो गैस कीजिए इसका आंसर क्या होगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था कंप्लीट में फुल टर्म, यानी कि उनका फुल 5 साल पूरी नहीं होती, उन्हें रिजाइन कर दिया था। ऑप्शन ए मुरारी देसाई। तो प्लीज़ रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी GRD टाटा, ऑप्शन सी जस्टिस हीरा जे कानिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताना चाहूँगा उसका आंसर सी है, जस्टिस हीरा जे कानिया, ठीक है। प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन पायलट, यानी कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन पायलट कौन थे, पहला भारतीय पायलट कौन था। ऑप्शन ए GRD टाटा, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी KM करीपा, ऑप्शन डी मिहिर सिंह। गैस कीजिए इसका आंसर क्या होगा, JRD टाटा, ठीक है। प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु आर द फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड, यानी कि मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए रीता फारिया, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी संतोष यादव। गैस कीजिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए रीता फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, में सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन ए रीता फारिया, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मिसिस मीरा साहिब फतिमा बीबी। गैस कीजिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया, यानी कि मुक्त भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार ही क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज रिमेंबर। ऑप्शन ए रीता फारिया, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मिसिज मीरा साहिब फतिमा बेबी। गैस कीजिए आंसर क्या होगा। लोग कुछ इंदिरा गांधी भी लगा सकते हैं, रीता फारिया भी आ सकते हैं। रीता फारिया मैंने आपको जैसे बता दिया, तो ठीक है ये ऑप्शन छट गया, तो इंदिरा गांधी तो है नहीं, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन ए बचेंद्री पाल, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी सैनू देवी। गैस कीजिए आंसर क्या होगा, इमेज जो लोग जानते हैं इमेज के थ्रू वो आंसर करेंगे बचेंद्री पाल, जो कि आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यानी कि माउंट एवरेस्ट दो बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए बचेंद्री पाल, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी सैनू देवी। गैस कीजिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन इमेज जो लोग जानते हैं इमेज के थ्रू आंसर बिल्कुल सही करके आएंगे, संतोष यादव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो प्लीज रिमेंबर। हु आर द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए यानी मैं बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ऑप्शन ए संतोष यादव, ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी सैनू देवी, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। गैस कीजिए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि डी आंसर होगा, ठीक है डी आंसर एनी बेसेंट। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स में, यानी कि भारतीय वायुसेना में पहली महिला पायलट कौन थी। ऑप्शन ए दुर्गा बैनर्जी, ऑप्शन बी रीता फारिया, ऑप्शन सी हरिता कौर दयाल, ऑप्शन डी संतोष यादव। गैस कीजिए आंसर क्या, ऑप्शन सी हरिता कौर दयाल। प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडल विनर, यानी कि प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? ऑप्शन ए रीता फारिया, ऑप्शन बी करुणा मलेश्वरी, ऑप्शन सी हरिता कौर दयाल, ऑप्शन डी संतोष यादव। गैस कीजिए आंसर क्या होगा इसका। अब आपको गाइस आंसर गैस करना है कि क्या आंसर हो सकता है इसका, ठीक है? इसका आंसर होगा, मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा करुणा मलेश्वरी, ठीक है, करुणा मलेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनर? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनर? ऑप्शन ए कमलजीत संधु, ऑप्शन बी कोरेलिया सोरबेजी, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी सुचिता कृपलानी। गैस कीजिए आंसर क्या होगा इसका, बता देता हूँ आपको आंसर है, ऑप्शन ए कमलजीत संधु, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन लॉयर? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन लॉयर कौन थी? कमलजीत संधु, ऑप्शन बी कोरेलिया सोरबेजी, ऑप्शन सी विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी सुचिता कृपलानी। गैस कीजिए आंसर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो गया बी आंसर, ठीक है, कोरेलिया सोरबेजी। प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो आप गैस कीजिए आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन आपको गैस करना है कि आंसर क्या हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज नॉन एज फादर ऑफ जूलॉजी? जूलॉजी फादर किसे क्या आता है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लामार्क, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, ऑप्शन डी लिनस। गैस कीजिए आंसर क्या होगा, एरिस्टोटल, ठीक है। प्लीज रिमेंबर। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरमेंट? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरमेंट, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें हम जीवन और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। बताना चाहूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर है सी इकोलॉजी। इकोलॉजी में गाइस एक यूपीएससी के स्टूडेंट थे, इकोलॉजी को बहुत बड़ा सब्जेक्ट समझ के पढ़ते हैं, आप ही लगा लीजिए 30-40 घंटे का एक होता है सब्जेक्ट जो है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है इकोलॉजी एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी आपको रीफ्स के बारे में पढ़ते हैं, मेरीन इकोसिस्टम पढ़ते हैं, बायोम के बारे में पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, बहुत काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए नेल्स, ऑप्शन बी फिबुला, ऑप्शन सी बोन ऑफ नोज, ऑप्शन डी स्टेप्स, ठीक है, डी स्टेप्स। लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन मैन में, यानी कि मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी, ऑप्शन ए स्टेप्स, ऑप्शन बी फिबुला, ऑप्शन सी टीबिया, ऑप्शन डी फीमर। गैस के आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विल लॉन्च एन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जीएसटी पे, इन कोलैबोरेशन विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट लिमिटेड, यानी कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जीएसटी पे किसके साथ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। किसके साथ किया गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। किसके साथ किया गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किया गया है, ठीक है। और ये लॉन्च कब किया जाएगा, किसके साथ किया गया है, विल लॉन्च एन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन कोलैबोरेशन विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट लिमिटेड के साथ। किसके साथ, कौन कौन लोग कर रहे हैं, ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली करेगी, इग्नू यूनिवर्सिटी करेगी, अमेठी यूनिवर्सिटी करेगी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी करेगी, महर्षि दयानंद यानी कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी करेगी, यानी कि इग्नू यूनिवर्सिटी करेगी, जीएसटी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, जीएसटी पर, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इससे। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी यानी कि द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक ओपन यूनिवर्सिटी कॉरस्पॉन्डिंग यूनिवर्सिटी है, विल लॉन्च अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर इन कोलैबोरेशन विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट लिमिटेड। द प्रोग्राम विल लॉन्च कब किया जाएगा, July 29 सेशन को, ठीक है। इट्स एम टू इम्पार्ट एंड बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर टू फुलफिल वेरियस रिक्वायरमेंट अंडर जीएसटी, ठीक है। एक एम है टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर टू फुलफिल वेरियस रिक्वायरमेंट्स अंडर जीएसटी एक्ट के अंदर, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आए हैं, एपिसोड पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।